हेलो स्टूडेंट, आई एम मनप्रीत गिल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो कौन सा पीसी है जो हमारा हम अलाउ करेंगे कि ये वाला पीसी हमारा इंटरनल नेटवर्क प्रोसेस कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, तो जैसे हमारे ये स्विच के साथ मल्टीपल पीसीस अटैच हैं, ये हम चाहते हैं कि जो PC 0 है ये हमारे इंटरनल नेटवर्क प्रोसेस कर पाए और एनी अदर पीसीस उसको प्रोसेस ना कर पाए। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कि जो जो PC 0 है ये इसकी स्विच की कौन सी पोर्ट के साथ अटैच है। फास्ट इथरनेट 0/12 के साथ अटैच है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला जो पीसी होता है, पीसी का जो NIC कार्ड के ऊपर मैक होता है, तो वो जो मैक है, जो NIC कार्ड का ये मैक मान लो फॉर एग्जांपल NAAA है, तो ये ही सिर्फ हम अलाउ कराएंगे कि ये वाला पीसी ही मतलब हमारे नेटवर्क को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोर्ट के ऊपर जो स्विच की पोर्ट नंबर 0/12 है, उसके ऊपर हम पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर देंगे, और जो स्विच की पोर्ट होती है जो मैक को ऑलवेज एक बार लर्न कर लेती है, तो उसको फिर वो मतलब ऑलवेज याद रखती है कि ये वाला मतलब हमारा मैक अलाउ है। ठीक है, तो देन यहाँ पे जैसे मतलब ये वाले जो PC है हमारा, जब ये वाले PC से कोई फ्रेम जाएगा तो देन ये मतलब आगे की आगे हमारे इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ये वाला PC पर अब मान लो फॉर एग्जांपल हम कोई और PC ये PC से हटा के कोई और PC के साथ हम इसकी कनेक्टिविटी करते हैं ये सेम पोर्ट्स की, तो देन यहाँ पे क्या होगा कि ये सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस तो हमने जो रजिस्टर्ड था पोर्ट, क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, तो मैक एड्रेस तो रजिस्टर्ड AAA है, पर इसका तो EEE है। ये क्या करेगा, ये इमिडिएटली इस पोर्ट को क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब एक हमारे को सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करती है पोर्ट सिक्योरिटी। तो और पोर्ट सिक्योरिटी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया बुक्स में, जो मैंने अभी बोला है वो सेम ही है, लिमिट विच स्पेसिफिक मैक एड्रेस कैन सेंड एंड सी फ्रेम ऑन द स्विच इंटरफेस डिस्कार्ड फ्रेम टू द अदर मैक। जो हमने मैक वहाँ पे रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, जो NIC कार्ड का मैक रजिस्टर्ड है वो ही वहाँ पे हम क्या करेगा, हमारे मतलब फ्रेम्स को वो क्या करेगा, सेंड एंड रिसीव कर पाएगा। ठीक है, अगर अगर ये कोई अदर मैक से उसको कोई फ्रेम जाता है तो उस मैक को इमिडिएटली डिस्कार्ड कर देगा। लिमिट द नंबर ऑफ मैक एड्रेस यूजिंग द इंटरफेस डिस्कार्डिंग फ्रेम फ्रॉम मैक एड्रेस लर्न आफ्टर द मैक्सिमम लिमिट वाज रीच। तो जितने भी हमने उस पोर्ट के ऊपर मैक को हमने क्या किया है, उन मैक को हमने अलाउ कराए हैं, तो वो वाले ही मतलब उनके थ्रू ही वो फ्रेम सेंड एंड रिसीव कर पाएगी। अदर अदर जो कोई यानी अदर मैक के रिक्वेस्ट जाती है तो वो क्या करेगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी। और इसके आगे होता है कि वॉयलेशन। वॉयलेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है सिनारियों में कि यहाँ पे हमने कोई एनी अदर ये वाला PC यूज़ किया था। ठीक है, तो जब ये वाला PC हमने यूज़ किया, ठीक है, तो देन हम वो पोर्ट सिक्योरिटी में वॉयलेशन होगी। वॉयलेशन में वो सबसे पहले क्या देखेगी कि हमने कौन सी टर्म या कौन सा हमने उसको उसकी टर्म को यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी रिएक्ट करेगी। लाइक जैसे शट डाउन, द इंटरफेस विल बी एरर डिसेबल स्टेट। तो जो शट डाउन होता है जो बाय डिफॉल्ट मतलब इसकी स्टेट होती है शट डाउन, तो जब कोई एनी अदर जैसे हमने सेकंड PC लगाया था तो इमिडिएटली वो उस पोर्ट को शट डाउन कर देगी। और स्ट्रैक्ट क्या होती है, ये अलर्ट करती है जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको अलर्ट करती है। और सिक्योरिटी इंटरफेस क्या होता है कि जितने हमने वहाँ पे सॉरी प्रोटेक्ट मोड, और प्रोटेक्ट मोड में क्या होता है कि वहाँ पे जितने हमने उसको NIC हमने मैक रजिस्टर्ड कराए हैं तो उतने वो फ्रेम सेंड एंड रिसीव करवाएगी। अगर जो उसके कोई एनी अदर मैक आता है तो वहाँ पे तो वो क्या कर देगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी फ्रेम को। तो मे बी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे स्विच के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।